दोस्तों आज हम एक ऐसी कंपनी की बात कर रहे हैं जो कि दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में से एक है और इस कंपनी को दुनिया की इतनी वैल्यूएबल कंपनी बनाने में एक भारतीय व्यक्ति का हाथ है। दोस्तों आज हम गूगल कंपनी के बारे में जानेंगे और कैसे एक भारतीय व्यक्ति ने इस कंपनी को दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में से एक बना दिया। दोस्तों बात 1 अप्रैल 2004 की है, जब सुंदर ने गूगल को ज्वाइन किया। तब गूगल में सुंदर का पहला प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड इनोवेशन के अंदर गूगल के सर्च टूल बार को बेहतर बनाकर दूसरे वेब ब्राउजर के ट्रैफिक को गूगल पर लाना था। लेकिन उसी वक्त सुंदर ने उस समय गूगल के प्रेजेंट CEO एरिक एमर्सन के पास जाते हैं और उनको एक आइडिया देते हुए बोलते हैं, हमको हमारा एक सर्च इंजन बनाना चाहिए। लेकिन उस वक्त एरिक ने सुंदर को ये बोलते हुए मना कर दिया कि यह प्रोजेक्ट हमको बहुत महंगा पड़ेगा और इसमें समय भी ज़्यादा लगेगा और मार्केट में ऑलरेडी इतनी इस्टेब्लिश कंपनियाँ हैं। उसके ठीक ही कुछ महीनों बाद माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल को हटाकर बिंग को अपना सर्च इंजन बना लिया और उस वक्त गूगल ने एक ही दिन में करीब 300 मिलियन यूज़र खो दिए। और फिर सुंदर और उनकी टीम ने अपने टूल बार पर दिन रात एक किए और करीब 80% कस्टमर वापस पा लिया। लेकिन उसके बाद गूगल के को फाउंडर लैरी पेज और गूगल के CEO एरिक ने सुंदर को बुलाया और उनके काम की तारीफ की। फिर सुंदर को गूगल क्रोम प्रोजेक्ट पर काम करने को कहा। फिर सुंदर और उनकी टीम ने गूगल क्रोम प्रोजेक्ट पर खूब मेहनत की और गूगल क्रोम तैयार किया। गूगल क्रोम लॉन्च होते ही पूरी दुनिया में छा गया और अगर आज की बात की जाए तो गूगल क्रोम दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला सर्च इंजन है। एक दिन सुंदर को अपने किसी दोस्त के घर पार्टी में जाना था। पार्टी में जाते वक्त सुंदर रास्ता बीच में ही भटक जाते हैं और वह पार्टी में तब पहुंचते हैं जब पार्टी ख़त्म हो जाती है, जिससे सुंदर को बहुत बुरा लगता है। सुंदर चुपचाप वहां से अपने घर चले जाते हैं और सोचने लगते हैं, आज मैं रास्ता भूला हूं, ऐसे ही कितने लोग होंगे जो रोज़ रास्ता भूलते होंगे। और अगले दिन सुबह अपने ऑफिस पहुंचते हैं और अपनी टीम को बुलाते हैं और बोलते हैं, क्यों ना एक ऐसा मैप बनाया जाए जिससे लोगों को आने जाने में हेल्प हो सके और लोग रास्ता ना भूलें और अपने टाइम से पहुंचे। पहले तो टीम नहीं मानी, फिर सुंदर ने किसी तरह टीम को कन्विंस किया। फिर सुंदर और उनकी टीम ने इस प्रोजेक्ट पर खूब मेहनत किया और कुछ दिनों बाद इन्होंने गूगल मैप लॉन्च किया। 2005 में इन्होंने गूगल मैप को USA में लॉन्च किया और वहाँ पर सुंदर का ये प्रोजेक्ट खूब हिट रहा। फिर उसके बाद 2006 में इन्होंने इस प्रोजेक्ट को UK में लॉन्च किया। उसके बाद 2008 में इंडिया में लॉन्च किया और फिर पूरी दुनिया में लॉन्च किया। देखते ही देखते गूगल मैप पूरी दुनिया में छा गया और अगर आज की बात की जाए तो गूगल मैप के यूजर पूरी दुनिया में 1 बिलियन से भी ज़्यादा हैं। इसके बाद सुंदर ने गूगल के लिए ऐसे बहुत से प्रोडक्ट बनाए जो लॉन्च होते ही पूरी दुनिया में धूम मचाने लगे, जैसे गूगल लेंस, गूगल सर्च, गूगल ट्रांसलेट, गूगल फोटोज, गूगल असिस्टेंट, गूगल मीट, गूगल डुओ, गूगल ड्राइव और YouTube जैसे अनेकों प्रोडक्ट। सुंदर की मेहनत और इंटेलिजेंस को देखते हुए बहुत सी कंपनी से सुंदर को CEO के पोस्ट के लिए ऑफर आए, लेकिन 2015 में गूगल ने सुंदर को गूगल का नया CEO बना दिया। सुंदर ने गूगल को अपनी मेहनत और इंटेलिजेंस के दम पर दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई। सुंदर ने गूगल को दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में से एक बना दिया। दोस्तों अगर हम सुंदर की पर्सनल नेटवर्थ की बात करें तो ये करीब 600 मिलियन US डॉलर से भी ज़्यादा है, जो कि कई बड़ी कंपनीज के सालाना टर्नओवर से भी ज़्यादा है।